नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 8। बीजेपी खेमे में बैठकों का दौर चल रहा है। जीत के बाद 3 राज्यों के लिए मुख्यमंत्री के नाम तय करना चुनौती बना हुआ है। 2024 के लोकसभा चुनावों में कुछ ही महीने बचे हैं, ऐसे में आलाकमान विचार विमर्श कर फैसला लेना चाहते हैं। थोड़ी देर पहले गृहमंत्री अमित शाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निवास स्थान पहुंचे, वहां पर बैठक चल रही है। 3 दिन में उनकी प्रधानमंत्री के साथ ये तीसरी मुलाकात है। इससे पहले राजस्थान के बाबा बालकनाथ गृह मंत्री से मिलने पहुंचे थे तो योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री से मिले। वसुंधरा राजे कल रात से ही दिल्ली में हैं और उनकी आज कहा जा रहा था जेपी नड्डा बीजेपी अध्यक्ष से मुलाकात होनी थी, लेकिन फिलहाल अभी तक नहीं हुई है। तो सूत्रों के हवाले से पता चला है कि 3 राज्यों में बीजेपी विधायक दल की बैठक के लिए पर्यवेक्षकों का ऐलान कल होगा। और ज्यादा जानकारी के लिए आइए सीधे चलते हैं अपने सहयोगी अखिलेश शर्मा के पास। अखिलेश, क्या जानकारी इन मुलाकातों पर आपके पास? देखिए, अभी जो पूरा होमवर्क है वो चल रहा है, कोई फैसला नहीं हुआ है। जितने नाम चल रहे हैं मीडिया में उसके बारे में कहा गया कि ये केवल अटकलबाजी है, अभी तक पार्टी ने कोई भी निर्णय नए मुख्यमंत्रियों को लेकर नहीं किया है। हाँ, कल पर्यवेक्षकों के नामों का ऐलान हो सकता है, उसके बाद इन तीनों ही राज्यों में विधायक दल की बैठक का कार्यक्रम तय होगा। और जब विधायक दल की बैठक होगी जिसमें ये पर्यवेक्षक भी मौजूद रहेंगे केंद्र से जाने वाले, तब उन बैठकों में नए नेता का चयन किया जाएगा, यानी वही व्यक्ति जो है मुख्यमंत्री होगा। साथ ही अभी तक ये भी जानकारी मिली है कि उप मुख्यमंत्री बनाया जाए या ना बनाया जाए, इस बारे में भी कोई निर्णय नहीं हुआ है। लेकिन मुख्यमंत्री जो भी होते हैं उसके हिसाब से अगर क्षेत्रीय समीकरणों को साधना है, जाति समीकरणों को साधना है, तो ऐसे में उप मुख्यमंत्रियों का की नियुक्ति भी की जा सकती है, ये भी बीजेपी सूत्र इशारा कर रहे हैं। इसके साथ ही जो मेल मुलाकात का सिलसिला चला है, बाबा बालकनाथ जो कल इस्तीफा नहीं दे पाए थे, कल वो रोहतक में थे, आज वो दिल्ली आए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलने के बाद, लोकसभा अध्यक्ष से मिले और अपना त्यागपत्र दे दिया। उनकी मुलाकात गृह मंत्री अमित शाह से भी हुई। वसुंधरा राजे सिंधिया जो कल रात को दिल्ली पहुंची थी, आज पूरे दिन वो अपने घर पर ही रही हैं, किसी से उनकी मुलाकात अभी तक हुई नहीं है। लेकिन जो विधायकों से मिलने की उनकी चर्चा थी जयपुर में, जिस तरह से वो मिली है डिनर पार्टी में, लंच पार्टी में, उस तमाम तरह की बातें हुई, उसको लेकर यहाँ केंद्रीय नेताओं का ये कहना है कि इसमें कोई भी असामान्य बात नहीं है। वसुंधरा कद्दावर नेता है, राजस्थान की 2 बार मुख्यमंत्री रही है, और अगर कोई विधायक जीतने के बाद आता है जयपुर तो जाहिर सी बात है कि वो उनसे मिलने जाएगा, तो इसमें ज्यादा कुछ बीजेपी के नेता ज्यादा नहीं पढ़ रहे हैं। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि जब भी कोई नया नाम आएगा, अगर उन्हें नहीं बनाया जा रहा तो जाहिर सी बात है कि उन्हें विश्वास में पार्टी लेगी और उसके बाद ही निर्णय जो है वो घोषित किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश इस तमाम जानकारी के लिए। और आइए आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में भी सब कुछ ठीक नहीं है। नवाब मलिक को साथ लेने की वकालत कर रहे अजीत पवार के कदम पर देवेंद्र फडणवीस ने एतराज जताया है, कहा है कि उन्हें गठबंधन में लेना ठीक नहीं है। बेल पर छूटने के बाद नागपुर विधानसभा के सत्र में शामिल होने पहुंचे नवाब मलिक नागपुर पहुंचे थे और सत्ताधारी बेंच पर बैठ गए थे। बहरहाल, इस पर जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी इस समय रौनक दे मौजूद हैं। रौनक, तो फिलहाल वाकई में अगर ये दोनों दिग्गज नेता आमने सामने हैं नवाब मलिक को लेकर, क्या परिस्थिति वहां पर बनी हुई है? जी देखिए, मुख्य तौर पर जिस तरह से अचानक ये पत्र देवेंद्र फडणवीस की तरफ से सार्वजनिक किया जाता है, उसके बाद से सियासत निश्चित तौर पर गर्मा गई है। हालांकि जो एनसीपी यानी अजीत पवार का खेमा है, उनका कहना है कि अगर सरकार में तीनों पार्टियां शामिल है और तीनों बड़े नेता आपस में अच्छा कोऑर्डिनेशन रखते हैं, लिहाजा इस तरह का जो पत्र है वो वायरल करने की ज़रूरत नहीं थी। हमारे साथ अजीत पवार गुट के विधायक अमोल मिटकरी है। सर, ये बताइए कि जो पत्र सामने आया और नवाब मलिक आप लोगों के साथ आकर बैठे, इस पर आपत्ति जताइए कि वे महायुति में नहीं चाहिए। देवेंद्र फडणवीस का इस तरह से एकदम कड़ा संदेश, आप लोग किस तरह से इस पर रिएक्ट कर रहे हैं? देखिए, आज पहला दिन था सेशन का, नवाब भाई खुद आए थे, वो दादा को मिले और उसके बाद मैंने मीडिया के सामने खुद अपनी भूमिका जताई थी कि नवाब भाई अजीत दादा के साथ है, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता है और नवाब भाई का साथ हमने भी नहीं छोड़ा था संकट में और उन्होंने भी पार्टी का साथ कभी छोड़ा नहीं था। आज ऐसी परिस्थिति आ चुकी है कि 5 बजे शाम 5 बजे यानी दोपहर के जब सेशन चल रहा था तो वहाँ विपक्ष के नेता अंबादाजी दानवे विधान परिषद के, उन्होंने ये सवाल देवेंद्र जी से पूछा था, उस पर देवेंद्र जी ने उत्तर भी दिया। लेकिन उसके बाद शाम 5 बजे जिस वक्त धर्मराव बाबा आत्राम जी से उनकी बैठक अजीत दादाजी की चल रही थी, उसी वक्त ये पत्र वायरल हुआ। अगर हम महागठबंधन को मानते हैं और तीनों पार्टियां अगर हम एक है, शिंदे गुट हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, तो इस तरीके से ये बात वो खुद दादा से मिलकर भी कह सकते थे, लेकिन
लेटर बॉम्ब डाल के मुझे लगता है कि गठबंधन में कुछ हलचल करने की कोशिश में दरार इसको कह सकते क्या गठबंधन में दरार आ सकती है? मैं दरार तो नहीं कह सकता इस बात को, लेकिन हाँ। विचलित जरूर हो सकते हैं कुछ लोग। लेकिन उन पर जिस तरह के संगीन आरोप खुद फडणवीस ने लगाए थे कि अंडरवर्ल्ड से उनके संबंध है, उन्होंने अंडरवर्ल्ड के लोगों से जमीन खरीदी, एकदम गंभीर ऐसे आरोप थे, और अब अगर वो सरकार में उनके साथ बैठते तो फडणवीस पर सवाल उठेंगे। आरोप होना और आरोप पूरी तरह से सिद्ध होना ये दोनों अलग अलग बातें हैं। तो जिस तरीके से एलिगेशन भारतीय जनता पार्टी ने किया था उसी पे सवाल आज महाराष्ट्र के जनता ने या फिर अलग पार्टियों ने खड़े किए थे, इस पे उन्होंने जवाब दिया। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जवाब देने का तरीका भी दो तरीके रहते हैं, एक तो आप खुल के बात कर सकते हो, ये तो आप पर्सनल कर सकते हो। अगर हम जिस वक्त भारतीय जनता पार्टी ने ये एलिगेशन लगाए थे उस वक्त भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी के गठबंधन में नहीं थी, राष्ट्रवादी के साथ गठबंधन में नहीं थी। आज महायुति में अगर है तो दोस्त का धर्म ये होता है। देखिए निश्चित तौर पर जो एनसीपी का साफ तौर पर यह कहना है कि इस बात को सार्वजनिक ना करते हुए अजीत पवार से व्यक्तिगत तौर पर भी की जा सकती थी, लेकिन निश्चित तौर पर फिलहाल दोनों पार्टियों के बीच में इस मुद्दे को लेकर फिलहाल दोनों पार्टी आमने सामने खड़ी नजर आ रही है। जी ठीक है, बिल्कुल रौनक, धन्यवाद इस जानकारी के लिए। और आइए आगे बढ़ते हैं, बात तेलंगाना की। अनुमूला रेवंत रेड्डी तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री बन गए। राज्यपाल ने उन्हें पद गोपनीयता की शपथ दिलाई। रेवंत रेड्डी के साथ 11 अन्य मंत्रियों ने भी शपथ लिए। इसमें मल्लू बट्टी विक्रमार्क उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। इसके अलावा उत्तम कुमार रेड्डी, के वेंकट रेड्डी, श्रीधर बाबू, पी प्रभाकर, 11 नेता जो हैं वो मंत्री पद बनाए गए। हैदराबाद में लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम में शपथ समारोह में कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता मौजूद थे। हालांकि सहयोगी दलों के नेता नजर नहीं आए, जिस तरह से कर्नाटक में सिद्धरमैया सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद थे। पैसे लेकर सवाल पूछने के मामले में आरोपी टीएमसी सांसद महुआ मोहित्रा पर एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट कल लोकसभा में पेश हो सकती है। रिपोर्ट पेश होने के बाद सरकार की ओर से महुआ मोहित्रा की सदस्यता खत्म करने का प्रस्ताव आ सकता है। इस रिपोर्ट में तृणमूल कांग्रेस सांसद को रिश्वत लेकर सवाल पूछने के मामले में सदन से निष्कासित करने की सिफारिश भी कर सकती है। एथिक्स कमेटी के अध्यक्ष विनोद कुमार सोनकर की रिपोर्ट सदन के पटल पर रख हो सकते हैं। इसे भाई